हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बो बना के दिखा रही हूँ। तो ये बच्चों के फ्रॉक में, टोपी में, सॉक्स में, बैग में आप लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत थोड़ी ऊन चाहिए ये, और मैंने ऊन के मुताबिक 11 नंबर की क्रोशिया लिया है। इन तीनों वो में तो मैंने ये पीछे अटैच कर दिया, ये धागा बचा हुआ लास्ट का सुई से या क्रोशिया से एडजस्ट कर दीजिए, आप कर सकते हैं। पर इसमें मैंने यह छोड़ा हुआ है, ये जब आप किसी चीज़ को में लगाएंगे तो यही धागा फिर यूज़ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। फिर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार चेन बना के ये पहले वाले से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो हमारा एक छोटा सा ये लूप बन गया, ये जो है जैसे हम सर्कल बनाते हैं ऐसे बन गया छोटा सा। अब यहाँ पे पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। पांच चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया के लिए जैसे हम एक बार लेते हैं, ट्रिपल क्रोशिया के लिए दो बार लेते हैं, हम यहाँ तीन बार लेंगे। इसको हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो इसमें डाल के ये सर्कल बनाया हमने, धागे को ऐसे लिया। हमारे क्रोशिया में अब पांच लूप है, ये एक दो, एक पहले का ये और ये चार। तो दो को एक साथ ऐसे लिया, फिर दो को एक साथ लिया दो बार, फिर दो को एक साथ लिया तीन बार, फिर दो को एक साथ ऐसे निकाला ये चार बार। तो इसको हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार लेना है। ये दो में से निकाला एक बार, फिर दो में से निकाला ऐसे, फिर दो में से निकाला, फिर दो में से निकाला ऐसे। इस तरह से हमें छह बार बनाना है, ये पांच चेन और छह बार बनाना है। एक बार, दो बार, तीन बार। अब ये छह बार हमने बना लिया। अब फिर पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। तो हमारा इस तरफ पांच चेन रहा पहले शुरू में, फिर हमने छह बार ये डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर पांच चेन लिया ऐसे। फिर इस तरफ अब इसके दूसरी साइड बनाएंगे, जैसे एक एक इस साइड का बना अभी हमारा, अब इस साइड का बनाएंगे। फिर पांच चेन लेंगे, दो तीन चार पाँच, फिर एक बार लिया जाएगा, दो बार, तीन बार, फिर यहीं डाल के डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार बार, दो बार, तीन बार। फिर डाल के यहाँ दो में से निकाला, एक बार बना, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ही छह बार बना लेते हैं। ये पांच बार बना लिया, ये पांच चेन बनाने के बाद एक दो तीन चार पांच, पांच बना लिया, एक बार और बना लेते हैं। एक बार धागा लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, फिर डाल के तो हमारे क्रोशे में अब एक दो तीन चार पाँच, पाँच लूप है। दो को एक बार लिया,
फिर दो को एक साथ, फिर दो को एक साथ, फिर लास्ट में दो को एक साथ। अब पांच चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और इसको यहाँ डाल के जॉइन कर लेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये अब एक और चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब इस धागे को आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं ऐसे। चाहे तो ऐसे धागे को ऐसे जैसे हम फोल्ड करके इसे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कर लिया मैंने। और चाहे तो आप ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मोती लगा सकते हैं, और ये धागा सिलने का काम आ जाएगा जिसमें भी आप लगा रहे हो इसको, बैग में, सॉक्स में, या हेयर बैंड में, जिसमें भी लगा रहे हो ये लगाने का काम आ जाएगा। ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं इसे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर डाला है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।